हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। इस वीडियो में आप लोगों को MTE02 लीनियर अलजेब्रा के अंतर्गत जून 2013 में पूछे गए वेक्टर स्पेस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल वैक्टर्स x 0 0 सच डेट x बिलोंग्स टू आर एंड बी इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल वैक्टर्स x y z सच डेट x + y + z इज इक्वल टू 0 बी सब स्पेसेज ऑफ आर क्यू सो डेट आर क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी इज दिस सम डायरेक्ट जस्टिफाई योर आंसर। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, सिंस ए इज अ सबसेट ऑफ आर क्यूब एंड बी इज अ सबसेट ऑफ आर क्यूब, देयरफॉर ए प्लस बी इज अ सबसेट ऑफ आर क्यूब। ठीक है, इसके बाद अब हम दिखाएंगे कि आर क्यूब ए प्लस बी का एक सबसेट है। इसके लिए हम आर क्यूब का एक एलिमेंट ले लेंगे xyz, देन अब हम इसे दिखाएंगे कि यह ए और बी के एलिमेंट्स के सम के रूप में है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x + y + z, 0, 0, फिर प्लस यहाँ पर हम लिखेंगे -y - z, y, z, जहाँ की x + y + z, 0, 0 ए से बिलोंग करता है और -y - z, y, z बी से बिलोंग करता है। ठीक है, तो जब हम इस एलिमेंट को आर क्यूब के एक एलिमेंट को ए और बी के एलिमेंट के सम के रूप में लिखकर दिखा सकते हैं, तो उस स्थिति में हम क्या कहेंगे कि xyz ए प्लस बी से बिलोंग करता है। तो यदि xyz आर क्यूब से बिलोंग करता है, वही xyz ए प्लस बी से भी बिलोंग करता है, तो इसका मतलब है कि आर क्यूब ए प्लस बी का एक सबसेट है। अब फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, आर क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब हमें यह भी पूछा है कि क्या यह सम डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट सम होने के लिए हमें और क्या होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, सिंगलटन 0, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू इस तरह से हम लिख लेंगे। और इसके बाद हम देखते हैं कॉमन एलिमेंट हमें क्या मिलेगा दोनों में, तो x, 0, 0 सच डेट x बिलोंग्स टू r एंड x + y + z इज इक्वल टू 0। तो चूंकि x + y + z इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो x की जगह 0 लेने पर ही हमें तीनों का सम 0 होगा। कोई और एलिमेंट लेंगे 1, 2, 3 कोई भी रियल नंबर लेंगे तो फिर 0 नहीं आएगा, इसलिए हमें एकमात्र एलिमेंट के रूप में इसमें क्या मिलता है, 0, 0, 0 यानी 0 वेक्टर। और इसलिए हम क्या कहेंगे, दिस सम इज डायरेक्ट। ओके स्टूडेंट्स।